जी फ्रेंड जी, तो जी मैडम, आई एम रेडी, आई एम गुड टू गो। मुझे आपसे ये सवाल ये पूछना था कि आपके बहुत अच्छे दोस्त उस दिन यहाँ आए थे, मंजूर साहब, और आकर मुझको यहाँ पर वो धमकी दे के गए थे। अच्छा, ये कब आपने की बात देखी है? वो? ये अभी मेरे ख्याल से इस फ्राइडे, नहीं इस फ्राइडे से पहले की बात है। मैं वो वीडियो लगाऊंगी यहाँ पर। तो उनको उनका ये कहना था कि मैं एक टेररिस्ट हूँ और मैंने जो है मोहम्मद जी को गालियां दी हैं और इस वजह से मुझ पे ब्लास्फेमी लगनी चाहिए। तो मुझे आप एक बात बताइए कि जो बंदा खुद एक, क्योंकि आपकी तो रिलीजन में प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट है, वो तो मैं भी मानती हूँ, आप भी मानते हैं ना जी मैडम, जी। तो अब एक बंदा जो वहां ऐसे चैनल पे बैठा हुआ है, जो खुद को रसूल बोलते हैं, मेहदी कहते हैं, उनका चैनल प्रमोट करने वाला जो 24 घंटे वहां बैठे रहते हैं, क्या वो खुद ब्लास्फेमी नहीं कर रहा बंदा? मैडम आपसे मुझसे सवाल कर रही, मैं तो खुद वहां पे बैठा होता हूँ, तो इसका मतलब है मैं ही ब्लॉसमी कर नहीं रहा माता, वही तो हूँ। बात, तो वही आ जाती है ना फ्रेंड जी, यही तो बात आ गई ना कि देखें, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, आप तो अपनी शक्ल नहीं दिखाते ना आप लोग, जी मगर मैडम, आप लोगों को अगर कोई और बाहर देखेगा, ठीक है ना, और वो तो जी यही समझेंगे कि आप इस पे बिलीव करके ही बैठे हैं वहां पर, तो आपको भी ब्लास्फेमी के नाम पर इस पे करा जा सकता बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो फिर बिल्कुल मुझको आकर ये धमकी देना, चलो दूसरा कोई मुसलमान आके मुझे धमकी देता है ना, तो मुझे समझ में आती है जो खुद ये काम ना कर रहा हो, मगर जब खुद वो काम कर रहे हैं और फिर अगले दिन ही वहां पर ब्रॉडकास्ट हुई है वो रसूल के चैनल पे कि रसूल को किसने मारा, रसूल की पिटाई किस मुसलमानों ने की थी, और अरे ऐसे मुसलमान नहीं होने चाहिए, और यूं यूं, फिर लोन समुराया आया वहां पे, उसने कितनी गालियां दी आपके मोहम्मद को, सबसे ज्यादा गालियां तो महदूद के चैनल पे सबसे ज्यादा पड़ती है मोहम्मद जी को, मेरे तो यहाँ पर किसी ने इतने नहीं दिए, और किसी ने दिए भी थे एक दो लोगों ने तो मैंने उनको रोका भी था। तो मेरा पॉइंट यही है कि आप कैसे आकर मुझे यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मैं ब्लास्फेमी कर रही हूँ, मगर आप एक ऐसे बंदे का चैनल सिर्फ बैठ के सपोर्ट नहीं, प्रमोट भी कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि उसका चैनल बढ़े, आगे बढ़े। तो मुझे आप ये बताएं फ्रेंड, अगर आगे जाकर इन द फ्यूचर मेहदी को बहुत सारे लोग देखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और उसके पीछे वाकई में मुसलमान पड़ जाते हैं, तो फिर आप लोगों का क्या होगा, क्योंकि वही मुसलमान फिर आप लोगों के पीछे भी आएंगे। नो डाउट मैम। नहीं, अगर मैं मंजूर की तरफ आता हूँ, मैम मैडम मैडम अगर मंजूर ने ये बात बोली, मैंने अनफॉर्चुनेटली मैंने वो आप देखी नहीं, वो आपकी स्ट्रीम ना, अगर आप लगाएंगे उसे क्लिप तो मैं लाजमी देखूंगा। और चार मेरे ख्याल में मौदूद साहब की तकरीबन 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते इनकी स्ट्रीम नहीं हुई है, तो कल से इसकी स्ट्रीम हुई है, तो उसमें मंजूर नहीं था। अगर आएगा तो मैं उसको समझाऊंगा। मैं मंजूर को मैडम स्ट्रीम से जानता हूँ। मंजूर मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मेरा बचपन का दोस्त है या मेरा कोई क्लास फेलो था पहले, लेकिन ये है कि मैं उससे बात करूंगा, इस तरह की बातें ना करें। वो जज्बाती हो जाता है, वही बात आपकी गलत है, जज्बाती होना गलत बात है। वो बात आपकी आपकी सही है कि वो ब्लास्मी का उसके हमारे ऊपर भी आता है, और ये बात मुझे ही पता है कि अगर यही वजह है कि मैं अपनी अपनी शक्ल नहीं दिखाता या मैं अपनी अपनी जो इन्फॉर्मेशन होनी था टेलीफोन नंबर मैं शेयर नहीं करता, वो गलत की उसने गलत किया, ये गलत किया उसने। अगर मेरी उससे बात होती है मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन आप जरूर वो क्लिप लगाएं ताकि वो मैं देखूं, क्योंकि आपकी स्ट्रीम वो चार, अगर मुझे डेट दे दें उसी स्ट्रीम की और मुझे स्पेसिफिक टाइम बता दें कहाँ उस एक वो सेकेंड, आया और उसने आपसे बात आप की है। एक सेकेंड, मैं आपको सुनवा देती हूँ, एक सेकेंड। चलो बाय द वे, मैं एक सुनो आपको ये भी बात बता दूं कि जब आप लोग स्ट्रीम यार्ड में आते हो तो स्ट्रीम यार्ड के थ्रू जो है आपका आईपी एड्रेस आ जाता है, ठीक है। आईपी उसके एड्रेस, मतलब अलावा वो तो आईपी एड्रेस तो आते हैं लेकिन मैडम उससे इतना आसानी से निकलता नहीं है ना, उससे तो वो आईपी देखो, एड्रेस तो खाली गवर्नमेंट वाले ऑफिशियल्स में वो निकाल सकते हैं। मैं एक बात बताऊं ना फ्रेंड, जब अगर बंदे को ढूंढने पे आ जाए कोई भी, अगर ढूंढने पे मैं आ जाऊं किसी को, क्योंकि अथॉरिटीज को, क्योंकि ये तो आइसलैंड में बैठा है, आई डोंट नो कि वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, मगर जो भी है, अगर ढूंढने पे आ जाए तो भाई आप खुद, आपके खुद ही वहां रसूल बता रहे होते हैं कि भैया कितने आसानी से वो तो मुझको देख रहे होते थे यहाँ पे सैटेलाइट से। थिंग इज द टेक्नोलॉजी इज देयर, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी इज देयर, और इस तरीके से बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं। हाँ मंजूर ऐसे ही की तस्वीर खुद ऐसे भी एक दफा कैमरा खुल गया था, और वो मैंने जाकर, मैंने सारी स्ट्रीमें देखी इस बंदे की जाकर, इसी वजह से, ताकि मैं उसकी तस्वीर निकालूं, और वो तस्वीर मैंने निकाल ली है, राइट, इसका ठीक खुद का है। कैमरा खुला था। बात ये आ जाती है कि मैं वो क्यों करूं, मगर आप लोग वही काम कर रहे हो जिस चीज पे मुझे आके रोक रहे हो, आप खुद वहां पे वो ब्लास्फेमी कर रहा है मगर मुझको आगे कहता है कि नहीं तुम ब्लास्फेमी कर रही हो, यानी एक मुनाफिकत की भी कोई एक हद होती है ना, तो आप वो हदें सारी आप पार कर रहे हो। मैं आपको सुनवा देती हूँ यहाँ पर इसकी जो कॉल आई थी, जी तो मैं आपको वो दिखाती हूँ।
यू नो इट्स जस्ट रिडिकुलस. मैंने अभी वो डाली नहीं है, मगर मैं डालूंगी जरूर, क्योंकि दिखना चाहिए. अभी जो कल चीज हुई है, कल जिस वो बंदे ने जाकर ये हरकत की है, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? कौन सी इससे वाली मैडम? जो सेनेगॉग में जाकर बंदे ने हॉस्टेज वो लगा, अमेरिका में, अमेरिका में है। हाँ मैम गलत अमेरिका किया, में, गलत किया, गलत किया मैम, गलत किया, बहुत मगर गलत किया। उस उससे फिर क्या होना है कि उससे दूसरे मुसलमानों पे भी तो अटैक हो सकता है ना, हाँ जी बिल्कुल, आप सही करी, कोई लपेट में तो दो राय आएंगे नहीं ना उसमें, दूसरे बिल्कुल सही मुसलमान. करी आप। गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एंड क्या हुआ? एंड में तो ये हुआ ना, वो खुद मर गया बेचारा। बेचारा मैं इसको तंजिया कह रहा हूँ, मैं कोई मेरे मुझे उसकी मगर कोई वो सिंपैथी मरने ही मेसाज नहीं उसमें है। गया था, वो मरने ही गया था. उसने जाते हाँ साथ ही मरने गया कहा था था, कि मैं मरने के लिए गया हूँ, मैं मरूंगा और मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगा. उसने खुद बोली थी ये बात. सही बात है, सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। वो गलत किया, उसने नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो मेरे ख्याल में नॉर्थ अमेरिका में भी नहीं आना चाहिए, यूरोप में भी नहीं आना चाहिए। जब उन्हें इतना इस्लाम से इतनी मोहब्बत है तो उन्हें नहीं आना चाहिए। उधर ही रहे, भाई पाकिस्तान, इंडिया, आपके जहां से मंजूर भी भी है, तो बैठे हैं बांग्लादेश। ना, वो भी तो इस्लाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मगर वो जो है वो बैठे हुए हैं वहां आइसलैंड में, बैठे हैं, पैदा हुए मैडम हैं. लगाए ना जरा, सुनाए मुझे क्या क्या हाँ बोला मैं एक उसने। सेकंड में इसको जरा शेयर कर रही हूँ आपके साथ, एक अच्छा ये, सेकंड. अच्छा ये आया अभी। अच्छा तो ये अमूमन आप, मेरे ख्याल में पहली दफा आया था आपकी यार्ड पे, आता नहीं आपकी स्ट्रीम यार्ड पे हाँ ये। नहीं पहली दफा ही आया था वो, और वो यही कह गया था कि पहली दफा और आखिरी दफा आ रहा हूँ मैं, विच इज फाइन. आई डोंट, मैं हर किसी को चांस देती हूँ बात करने का. अच्छा अच्छा एक सेकंड, ये उसकी क्या औकात, उसकी क्या औकात. चार बंदे देखने वाले सिर्फ होते ही क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या बात कर रही थी, ये जितिन चौधरी कह रहे हैं आप ओवर एक्टिंग करते हैं, वैसे मैं ओके चलिए तो प्लीज गिव मी सम टाइम, 5 मिनट। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आई नो यू आर एथियस्ट राइट? ओके गुड। आपको इस्लाम से क्या क्या प्रॉब्लम है? मेरा क्या प्रॉब्लम है? क्या मतलब है आपका क्या इस्लाम, प्रॉब्लम है? क्योंकि इस्लाम मैंने में आप, मेरा ये प्रॉब्लम है कि इस्लाम और औरतों के जो राइट्स हैं उसमें कोई औरतों के राइट्स नहीं. सबसे पहली ये बात, इस्लाम के नाम पे मैंने बहुत सारी औरतों को मारते पीटते यहाँ तक के कत्ल होते हुए देखा है, और किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि शरीयत में है औरत को जूती बना के रखो. तो ये मेरी प्रॉब्लम है और उस पर मैं बात करती हूँ. और मैं ये अच्छा नहीं कहती सब करते हैं, मगर ऐसा होता है और वो टेक्स्ट को इस्तेमाल करके यूज करते हैं. ओके तो ये सारे दुनिया मुसलमान कंट्री में होता हाँ मोस्टली मुसलमान कंट्रीज में होता है, होता है सारी कंट्रीज में. मैं एक बात बताऊँ आपको, डोमेस्टिक वायलेंस, एक सेकंड, डोमेस्टिक वायलेंस हर कंट्री में होता है और हर रिलीजन वाले भी करते हैं, मगर किसी की रिलीजन उसको जस्टिफाई नहीं करती. आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है ये चीज. अच्छा ओके ये बात पे आई कैन एग्री विद यू समहाउ इन सम कॉर्नर। लेकिन सवाल फिर एक दूसरा सवाल आता है कि आपको अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं इस्लाम के कोई इश्यू को, इट्स ओके, नोबडी केयर। जो केयर करते हैं कि आप यहाँ आती हो अपने स्ट्रीम पर, मैं आपको, आई एम हियर टू गिव यू सम एडवाइस, अगर एक्सेप्ट करोगी या नहीं, इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस। देखो नाउ तकरीबन 60 कंट्रीज मुसलमान कंट्री, 100 करोड़ मुसलमान है दुनिया में, और आपको सिर्फ पाकिस्तान से जो एशियन कंट्री है जो हिंदी उर्दू बात करते हैं वही देखते हैं, तो आप इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज करते हो, ऐसा बस नहीं, आप एक कदम आगे चले हुए। आप हमारे मुसफ नबी मुस्तफा वसल्लम को उससे उससे बहुत बुरा बात करती हो, गुस्ताखी करती हो, उनके ऊपर अल्लाह के ऊपर मजाक करती हो। आप जानती हो को हमारे मोहम्मद मुस्तफा वसल्लम हमारे लिए हमारे माँ और बाप से भी बेहतर बढ़कर, तो कोई मुसलमान हो आप सुनाए वो सर सर पे कलम, क्या बोलते हैं उर्दू में, जो जुदा सर सर तन से जुदा, ये चीज इट्स डजंट कम, ये चीज ये हमारे हमारे दिल के अंदर है।
अगर कोई हम हमारे बाप को गाली देगा, माँ को गाली देगा, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने भी वी हैव 1000 रेड लाइन. तो आई नो यू आर लिविंग इन अ वेस्टर्न कंट्री, तो आप यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन अगर कोई आपकी ये बात सुने, आपको हार्म करे, आपके फैमिली को, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन ये भी हो सकता है, तो आप व्हाई यू आर ये गली में मत जाओ. ओके, यू क्रिटिसाइज इस्लाम, यू से आई डोंट लाइक इस्लाम. आई गॉट योर पॉइंट मंजूर जी. ओके, सो लेट मी पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं मंजूर जी कि अगर आपने मेरे पे थोड़ी सी रिसर्च की होगी तो मैं पाकिस्तान में रही हूँ. मैं पाकिस्तान में जाकर काम भी किया है मीडिया पे और मैंने कभी इस्लाम पे बात ही नहीं की थी. ठीक है, मैं तो औरतों के हकूक के ऊपर बात करती थी. मगर क्योंकि आपका इस्लाम औरत को हकूक देता ही नहीं है, तो सारे मोमिन आकर आप फेसबुक उठा लो, जाओ वहां पे और देखो मोमिन क्या लिख रहे होते हैं. ना वो पूछते कि आप मुसलमान हो, ना उन्होंने कोई और क्वेश्चन करना है, उन्होंने सिर्फ एक देसी लड़की देखी, ना उनको पता है इंडिया की है पाकिस्तान की नीचे गंडी शनाल कश्ती बती लिखना शुरू हो जाती है. मैं फट रही है. और उस वक्त भी मैंने आपके रसूल को गाली नहीं दी है कभी भी. मैंने आपके रसूल के बारे में कभी ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि हाँ उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी की या उनको सेक्स पसंद था. गाली मैंने जब दी थी कि जिनके आप चैनल पे बैठे होते थे जो चार देखो आपको मैंने बोल दिया ना मुझे जी, तो 4 महीने से बैठ के मेरे कैरेक्टर पे कि मैं जिनाकार हूँ, ऐसी हरामी लड़कियां हैं जिनकी हराम की औलाद होती है, ये है वो है, मेरी बेटी पे बोलोगे तो मैं बोलूंगी. उस दिन जाकर फिर भी मैंने आपके रसूल को गाली नहीं दी थी मैंने उस दिन, मगर मैंने ये कहा था कि अब मेरा नाम लिया तो मैं जरूर. दूसरी बात मंजूर जी, ये जो आपका कहना है ना कि हमारे सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, भाई आप लोग बैठ के हर वक्त कादियानियों को गालियां दे रहे हो, तो काफिरों को गालियां दे रहे हो, तो क्या दूसरों के सेंटिमेंट नहीं है क्या? दूसरों को क्यों नहीं है? अगर इसी हिसाब से जिस हिसाब से आप लोग ये कर रहे हो और मुसलमान जितनी दूसरों की तौहीन कर रहे होते हैं, अब यही चीज अगर क्रिश्चियन बाहर के मुल्कों में, आप तो आइसलैंड में बैठे हो ना, वहां शुरू हो जाए यही करना, तो कितने मुसलमानों के सरदर्द से जुदा हो जाएंगे? या इंडिया में लोग यही चीज करना शुरू हो जाए तो आप देखना कितने सरदर्द से जुदा हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग करते ही हो सारा वक्त दूसरों के खुदाओं पे दूसरों को गालियां देना, दूसरों के मजहब को गाली देना. तीसरी बात मेरी ये है कि आपका बिलीव उस पे है, आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं है वो चीज इंपॉर्टेंट, तो मैं क्यों जबरदस्ती गले पे छुरी रख के मेरे आप कह रहे हो कि मैं उस पे बिलीव करूं और उसको रिस्पेक्ट दूं? चौथी बात ये, आप केस को चुप कराएंगे? ये धमकियां अब धमकियां नहीं चल रही है, क्योंकि और ये अब आप एक को मूवमेंट करवाओगे दूसरा स्टार्ट हो जाए. कितने एक्स मुस्लिम है, कौन कौन बैठ गए भाई? खयाम देखो सबसे ज्यादा गालियां तो वो देता है वहां बैठ, सबसे ज्यादा गालियां आपके रसूल को आपके रसूल मेसी के चैनल पे पड़ती है. किसी एथियस के चैनल पे इतनी बुरी तरीके से आपके प्रॉफिट मोहम्मद से किसी ने बात नहीं की है. हारिस हो जाए गालिब हो जाए, प्रॉफिट मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके ना बात की जाती है. सबसे ज्यादा गालियां उस चैनल पे पड़ती है जहां के आप रेगुलर हो. ठीक है ना, आप अब धमकियों से लोगों ने देख लिया है. पांचवी बात मैं आपको ये बताऊं कि आप लोगों की दुखती जो रग है ना, वो लोगों को आप लोग रिएक्ट करना बंद कर दो, लोग बात करना बंद कर देंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी. आप लोग जितना रिएक्ट करोगे उतना लोग इसको पकड़ेंगे. अब मुझे कॉमन सेंस से आप बात बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ. आपने क्या पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर देखी है? आपको पता है कैसे दिखते हैं? देखी आपने? नहीं देखी ना? नहीं देखी. अच्छा, मैं यहाँ पर एक बत्तख बना देती हूँ और मैं कह देती हूँ ये आपके रसूल है, उस पर लोग पागल हो जाएंगे. कॉमन सेंस की बात यह है कि जिस बंदे की ना किसी ने तस्वीर देखी ना कुछ है, कोई भी कार्टून बना ले, उस पर जाकर आप लोगों ने दूसरे मुल्कों में काफिरों के मुल्कों में जिन्होंने मुसलमानों को रखा हुआ है और मुसलमान मुल्क से ज्यादा राइट दिए हुए हैं उनके जाके गर्द बता रहे हैं. हिपोक्रेट नहीं है ये? हिपोक्रेसी नहीं दिखती आपको? जी शायद जी आप बोल. नहीं शायद जी, प्लीज शायद जी, प्लीज मुझको कुछ मत बोलिए, मुझको कुछ मत बोलिए. मैं बस बोलूंगा महली जी, मैं आपके बातों से आपके मुझको
ओके, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है. ओके, आपके बातों से मुझको लग रहा है कि आप यू आर अ टेररिस्ट. यू आर अ रियली अ टेररिस्ट. धमकी तो आप आगे दे रहे हो मुझको. नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ. जो आपको मैंने किसको कभी धमकी दिया? मेरी बात सुनो. अगर आप एक मोहल्ले में रहती हो, वो मोहल्ले में हजार लोग एक पेट को बिलीव करते हैं, लेकिन और आप वही पेट को गाली देती हो. आपने अपना दुकान खोला है ये स्ट्रीम पर. आपने अपना दुकान खोला है इस्लाम को. आपके मौलवियों ने दुकान खोली दी है. कादियानियों को गालियां दे रहे होते, उन्हीं पे बात हो रही थी अभी जिन साहब ने, उन्होंने अपनी दुकान खोली दी है. हर किसी ने अपनी दुकान खोली दी है मंजूर जी. आप द थिंग इज ना, आप लोग हमारे को टेररिस्ट बोल लो, हालांकि आप लोग टेररिस्ट हैं. नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ. नहीं, मैं ही क्यों हूँ सिर्फ टेररिस्ट? मैं ही एक एक्सपोज में बैठी हूँ यहाँ पे. सबसे ज्यादा गालियां आपके रसूल के चेहरे पे बनती हैं, जो खुद आप वहां, आपका वहां बैठना आपके लिए खतरनाक हो सकता है. आपके खुद के सर पे ब्लास्फेमी का चार्ज लग सकता है मंजूर जी. आप वहां बैठ के झूठे रसूल को प्रमोट कर रहे हो. आपके लास्ट नबी जो थे ना, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. मैं चाहूँ ना तो मैं यहाँ बैठ के आप सब लोगों के सर पे ये फतवे लगवा सकती हूँ, आप लोगों के मौलवियों से, कि ये देखो झूठे प्रॉफिट को ये मान रहे हैं. आप लोग तो खुद वहां पे बैठ के ब्लास्ट नहीं करो, मुझे क्या बोल रहा. आप खुद बैठ के झूठे रसूल की वहां कह रहे होते, जी जी आप रसूल आए, आप तो हमारे सेकंड में दिए. ये कौन सा मुसलमान बर्दाश्त करेगा मंजूर जी? क्या अच्छा, आपने, आपने, आपने अभी आपने अभी अच्छी तरह से टॉपिक चेंज. मैंने चेंज नहीं किया. मैंने आपको आपकी असलियत दिखाई है. क्या मुझे टेररिस्ट बोल रहे हो? पहले आप अपने आप को सही करो. आपके रिलीजन के मुताबिक, आपके खुद के मुसलमानों के मुताबिक जो काम आप वहां बैठ के कर रहे हो, उससे आपका सर खुद तन से जुड़ा हो सकता है. क्या आप मेरे दिल के अंदर चले गई, सब कुछ जानते हो मेरे बारे में? दिल के अंदर कौन देखेगा? मुझे एक बात बताइए, जो श्रीलंकन का गाड़ी मारा है, उसके दिल के अंदर देखा था लोगों ने? विशाल खान के दिल के अंदर देखा था उन्होंने? सलमान ताजी के दिल के अंदर देखा था उन्होंने? जब पागल होंगे ना आपके जो ब्रदर पागल हो जाते ना, खून सवार हो जाते हैं उनके सर पे, वो कुछ नहीं देखते. मधुर की पिटाई जो हुई थी वो दिल के अंदर देख रहे थे उसके. क्या बात कर रहे हो मंजूर साहब? आप लोगों खुद के सर पे शाहिद हो. शाहिद के सर पे तो ऑलरेडी वो बयान बोल चुका है, ये वहां जाके बैठता है, ये सेकंड उस पे रसूल. जितने मुसलमान वहां बैठते हैं और कहते हैं कि लास्ट रसूल हमारे मोहम्मद प्रॉफिट थे, वो तुम लोग सब गलत साबित करो. आप लोग सब उसको मानते हो, सब आप लोग यस यस बोल रहे होते हो. इट डजंट मैटर व्हाट इज इन योर ब्रेन. In the court of law, your videos are going to be used as a proof that you were sitting there and you were agreeing with him that he is the second Mehdi. Mehdi, madam, aap kyun topic change kar rahe ho? Main yahan, okay, we can talk in this topic in future sometime. No, I'm sticking to the topic. Talking about Muhammad, right? Why I am committing? Aap keh rahe hain, main blasphemy kar rahi hu. Mera sar tan se juda hona chahiye. Meri logic se aapka bhi hona chahiye, kyunki aap bhi blasphemy kar rahe ho. आपसे बातों से आपसे कोई नहीं जीतता, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ. मुसलमान बने, आप इस झूठे नबी को मानना बंद करें, झूठे नबी को प्रमोट करना बंद करें, झूठे नबी को बैठना बंद करें. आप गलत बोल रही हो. जितने मुसलमान यहाँ बैठ के देख रहे हो, जितने मुसलमान मुझको देखते हैं, एटलीस्ट मैं तो नहीं मानती कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी आया था, पर मंजूर जी जरूर मानते हैं और प्रमोट भी करते हैं उसको. सिंपल. ओके, ये बात खत्म हुई ना, अभी मेरा बात सुनो. जी आप जो कर रही हो, living in a foreign country, okay, you have a freedom, do whatever you want to do. If you are atheist, you enjoy your belief. आप क्यों, are you a social worker? Okay, do it in your limit. Don't cross your limit. मैं क्रॉस करूं भैया? आप पहले अपनी लिमिट देखो ना. आप तो खुद क्रॉस नहीं कर रहे हो. आप झूठे रसूल को आप अपने रसूल से कंपेयर कर रहे हो, सारा दिन वहां बैठे होते हैं. आप तो खुद क्रॉस नहीं करो, पहले अपनी चीज. आप टॉपिक क्यों चेंज कर रही हो? आप मुझे यहाँ धमकी देने आए हैं मंजूर साहब, ये बताइए. मैं यहाँ आया हूँ, धमकी देने आए हैं. आप खुद एक काफिरों के मुल्क में बैठे हैं, पैदा हुए हैं, काफिरों का खा रहे हैं, हराम का खा रहे हैं. आपसे आपको इतना ही प्यार है, ठीक है ना? तो जाइए इस्लामिक मुल्क में रहे ना, वहां पे बैठे. This is my problem, not your problem.
खाना नहीं खाना नहीं खाना खाना का आप लोगों का है सब कुछ आपको चाहिए आप गलत कर रही हो आप गलत कर रही हो ना तो सबसे पहले आपका होगा आपको कोई हक नहीं आपको कोई हक नहीं पड़ता हमारे मोहम्मद मुस्तफा को गाली देना आपको कुछ हक नहीं पड़ता आपको एक भी हक नहीं पड़ता आप गलत कर रही क्यों नहीं पड़ता तुम्हें सारे हक के काफिरों के मुल्क में जाकर मेरे को कोई हक नहीं है नहीं आप क्यों गाली दे गाली देते हो मेरे प्रॉफिट को किसने आपको हक दिया दिखाओ दिखाओ सबसे ज्यादा गाली वहाँ पड़ती है जिस चैनल को तुम सपोर्ट करते हो आपने हमारे नबी को गाली देती हो आयशा के आयशा उम्मुल मोमिनीन को आप गाली देते हो सेक्स कर हाँ मैं मोमिनीन को गाली देती हूँ जो मुझे गाली देते अभी तो गाली दी आपको आपने गाली नहीं दी ना तो मुझसे जरा एक सेकंड ना सबसे ज्यादा ब्लास्फेमी आप कमेंट कर रहे हो मैं तो नहीं मानती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल आया मगर आप मानते हो आप उसको प्रमोट कर रहे हो आप उसके चैनल पे सारा दिन बैठते हो आप उसमें ईमान लेकर आए हो सबसे पहले आप घटिया हो आप अपने मुसलमानों की चीजों पर नहीं मान रहे आप तो खुद मुसलमान हो मुझे क्या बोल रहे हो मैं तो कोई नहीं मुसलमान ना मैं तो एथियस्ट हूँ पहले आप अपने कैरेक्टर को ठीक करो आपने मुझको म्यूट आपने प्लीज यार औरतों के सर कौन औरतों के कौन लगेगा आपने मुझको म्यूट की तो आप बात कर रहे वो गिवी तो अच्छा वही बोल रहा हूँ तो आप जो कर रही है गलत कर रही है मानो कि मैं गलत कर रहा हूँ और दूसरे बात नहीं कर रही हूँ ओके जो हो जो हो मगर मंजूर साहब हर चीज गलत कर रहे हैं क्योंकि ये एक मुसलमान होकर एक और नबी जो आ गया है उस पर भरोसा ले आए आप क्यों टॉपिक चेंज कर रही हो धमकी नहीं दे रहा मैं आपको नसीहत डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री में बैठ के खुद भी बैठा है मैं भी बैठी हूँ मुझे कह रहा है मेरा हक नहीं है मगर मेरे को मुसलमान होने के नाते दूसरे काफिरों के मुल्क में सारे हक देने चाहिए मैं वहाँ पे नमाज भी पढ़ूंगा मैं वहाँ पे मस्जिद भी खोलूंगा मैं वहाँ पे बुली करके दिस इज कॉल्ड बुलिंग यू कैन नॉट बुली पीपल मंजूर मेरा सर तन से जुदा करवाओगे कितनों को चुप करवाओगे मैं आपको यहाँ आप थोड़ा चांस भी देना बात करने का मैं आपको यहाँ नसीहत देने के लिए आपकी अच्छाई के लिए आप उनको नसीहत दे जो झूठे रसूल बैठ के ना उनको नसीहत दिया हाँ उनको भी दूंगा उनको भी दूंगा उनको भी नसीहत दूंगा सारे मुसलमान के पास जाए ना कितने चैनल उनके पास सबके पास नहीं मैं नहीं जाऊँ क्योंकि जब मैं मौजूद जी के पास था तो आपका पद्मावती और क्या बोलते हैं उसका लीला चल रहा था सो यू बीन अचानक आपके चैनल पे मुसलमान यहाँ पर पद्मावती पे बिलीव कर रहे हैं और लीला चल रही थी और ये ड्रामे चल रहे थे और ये मुसलमान असैसिनेशन होती थी जहाँ पर वो झूठा रसूल बैठ के रोजाना रात में मेरे साथ इंटरकोर्स कर रहा होता मंजूर जी बड़े मजे ले रहे होते थे उसके नहीं 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 आप झूठ बोल रही हो 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 देखो आप आपने उस दिन बताया कि मेरी माँ भी गाली देती है मैं भी गाली देता हूँ आप गालियों में बड़ी होगी तो गाली नहीं देती आपको आप गाली नहीं आप गाली मुझे नहीं दे सकती क्योंकि मैं गाली नहीं देता हूँ आपको ना मैं गाली मुझे गाली का बंदा नहीं मोहम्मद हमारे रसूल नहीं नहीं अच्छा अच्छा हमारे रसूल मैं आपको चैलेंज करती हूँ मुझे दिखाओ मैंने कहा अच्छा अच्छा मैं अभी बता रहा हूँ हमारे उसके जॉब पर मेरी बच्ची को हराम का बोला जा रहा था जो आप एंजॉय कर रहे हैं नहीं 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 नो 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 जिसका नहीं सुनो ना मेरी बात मैं बैठ
घटिया कर दो। म्यूट क्यों कर, आप म्यूट क्यों करते, आपने बताया, आपने बताया, प्लीज प्लीज आपने बताया कि जो आपको गाली देगा आप उसको गाली देंगे, सही ना जी? हमारे प्रोफेट मोहम्मद मोहम्मद ने आपको गाली दी? मैंने कहा गाली दी उनको? अपनी स्ट्रीम पर देखो, आप हंसी मजाक करती हो, आप क्लिप ले कर आए, मैंने कहा गाली दी है, ठीक है? आपने आप खुद जानती हो आप जो कर रही हो बहुत बहुत बुरा कर रही हो। मुझे बताइए मुझे गाली कहाँ बोली मैंने, आप दिखाइए। ये तो भाई ये तो इंडियन से आगे कहते हैं हिंदुओं को गाली देती है, $500 मैंने ऑफर किए थे, आज मैं किसी एक हिंदू ने नहीं दिखाया मुझको मैंने गाली दी, चलो $500 मैं दूंगी तुम्हें मंजूर, जाओ लेकर आओ, दिखाओ मैंने कहाँ गाली दी है। आपने दी, आपने हजार, आपने कितनी मोहम्मद को गालियां पड़ी है, ठीक है ना? इतनी आप मैं गिनवा दूं, मेरे यहाँ पर शायद एक दो बंदों ने आके दे दी होगी, मगर रोजाना आपके रसूल के चेहरे पे कोई ना कोई मोहम्मद को गाली देके जाता था। आप टॉपिक क्यों चेंज, आप टॉपिक क्यों चेंज करती हो? टॉपिक की बात नहीं हो रही है, बात गाली से हो रही है ना, क्यों तुम वहां बैठे हो वहां गाली चलनी, ठीक है यहाँ पे गाली नहीं नहीं जो मेरे सामने जो गाली देता है या आप चांस नहीं देती हो, मैं खुद गाली किसी को नहीं देता, मैं बचपन से गाली किसी को नहीं देता ना गाली। आप कह रहे हो मैंने मोहम्मद को गाली दी है, अब मैं आपसे ये कह रही हूँ आप हमारे ज्यादा मोहम्मद की तोहीन हो रही है, आप सबसे पहले बैठ के मोहम्मद की तोहीन कर रहे हैं। हम उसको जो तोहीन करता है जो तोहीन करता है हम उसको चुप करते हैं, लेकिन आप हम ओके मैं एक बात बताऊंगा। आपने एक बार क्या बताई कि हमारे हमारे माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप उसकी मजाक उड़ाती हो, उस ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी गाली है, 6 साल की उम्र है। हुजूर साहब देखें आपको मैंने काफी टाइम दिया है, आप अपने प्रूफ लेकर आइए, मैं प्रूफ लेकर आए, ना 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 हवाओं में बातें नहीं करें, आपकी प्रूफ आपके प्रूफ आपके ट्विटर में, आपके यूट्यूब में, आप यूट्यूब में देखे आप जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, अपने अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, बस मैं यही बोल रहा हूँ। धमकी दे रहे हैं आप, धमकी दे रहे हैं, ये होते हैं देखिए जो खुद बैठ के दूसरे okay. प्रॉफिट को मार रहे हैं मंजू साहब बैठ के ओके okay, बस यही थी ओके फ्रेंड जी, तो सुन लिया आपने ये जी? मैडम सुना है मैंने, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। शुरू में बात हुई है वो सरतन से जुदा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसने ये बोला है कि ये ऐसा हो सकता है, उसने डायरेक्ट आपको थ्रेट नहीं की मेरे ख्याल में, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्लीज। उनकी बातें देखो फ्रेंड जी, हम सब बच्चे तो बैठे नहीं ना यहाँ पर, बिल्कुल सही तो बस मैं आपको नसीहत देना आया हूँ, और उसने 2-3 दफा ये बात बोली है बीच में कि आपकी और आपकी फैमिली को ये हो सकता है। बात वही आ गई ना कि मेरे से पहले तो आप जहाँ बैठे हो जिसके पास बैठे हो उसको ही बोला जाता है, वो खुद प्रोटेक्शन में बैठा है मेहदी जी मैडम, तो बस अब आप मुझे ये बताइए कि ये बंदा आइसलैंड में बैठा है, व्हाट डू वी डू? फिर जब ये सिनेगॉग वाले और ऐसे केसेस होते हैं तो ऐसे ही लोग करवाते हैं ना, फिर आपको इतना इस्लाम का वो है तो पहले आप आइसलैंड छोड़ के जाओ ना, पाकिस्तान जाके बैठो। ठीक, मैं मुझे ये नहीं था कि मैं आपको पॉइंट आउट करूं, मगर मैं आपको ये दिखाने जा रही थी कि आप भी, आई एम सॉरी, मगर आपको भी अगर महदूद की फॉर एग्जांपल 2-3 लाख में सब्सक्रिप्शन चली जाती है, उसके वीडियोस वायरल हो जाते हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों के पीछे नहीं आएंगे मुसलमान? लाजमी नो डाउट मैम, उससे बात कीजिएगा और उससे कहिएगा कि I am going to find where he is because I do take these things seriously, मेरे को कर दो ठीक है, मगर उसने वाकई में बोला कि आप हो, आपकी बच्ची, आपकी फैमिली। और दूसरी बात ये कि ये दूसरे मुल्कों को क्यों नहीं जाके बोला इसने, एक लड़की पे औरत पे आके क्यों इसने हावी होना था? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैडम मंजूर से मुझे बात करने दें, और अगर ऐसा मौका दें मुझे कि मंजूर को मैं लेकर आपकी स्ट्रीम पे आ जाऊं और इस बात को क्लियर कर लें कि हो सकता है वो जज्बाती, मैं हो सकता है मैं गलत बात बोल रहा हूं कि जज्बाती हो गया, लेकिन हो सकता है जज्बाती हो कि उसके मुंह क्योंकि उसकी उर्दू सही नहीं है, तो लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। मैं सबसे काम बंदा है महदूद की स्ट्रीम पे, सबसे काम बंदा मंजूर है। हां ये तो है, ये तो गाली नहीं देता, जज्बाती नहीं देता, मैं बहुत जज्बाती देता हूं
और ये बात फ्रेंड जी, ये बात तो शाहिद ने भी उस दिन मानी कि मैंने कोई गाली नहीं दी आज तक किसी को भी, ना आयशा को, ना रसूल को, ना किसी को। हाँ, जाली रसूल को गालियां दी है मैंने, क्योंकि मैं उसको मानती नहीं हूँ रसूल, मैं उसको मेदी नहीं मानती। तो लेकिन मैडम बात दफा बातें ऐसी हो जाती हैं कि वो सामने वाली जो दूसरे जो मुखालिफिन जो होते हैं, आपके जो मुखालिफिन जैसे मुसलमान जो हैं, उनको वो थोड़ा टाउंट करते, मतलब लगती है कि ये ना वो जातियात पे हो रहा है, तो उसकी वजह से तकलीफ होती है। चले वो आपका वो उनका मसला है, जिनको नहीं देख रही। मैं ही तो नहीं कर रही ना फ्रेंड, सिर्फ मैं ही सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल कौन सा है एक्स मुसलमान का? वो है अपोस्टेट प्रॉफिट का, जहाँ पे 3 लाख लोग हैं। उसको जाके करो ना चैलेंज। वो तो गालियां भी देता है, वो तो कुरान फाड़ के खाता है, कुरान को आग लगाता है, वो तो मुझसे बहुत आगे जाके ब्लास्फेमी कर रहा होता है। तो भाई आपकी यानी सिर्फ एक औरत पे ही हदगर्मी चलनी थी, क्यों? नहीं, ये गलत बात है मैम, मुझे थोड़ा बोलने दें, मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए मैडम, जब आपकी वो बेटी का मसला आया था, मैंने स्टैंड लिया, आप उसकी गवाह हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरे और नूर की वजह से वो मसला रुका है। मैं समझता नहीं, मेरा यकीन है कामिल है कि हमारी वजह से रुका है। वो आके लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने, मैंने उसको फोन कर दिया, मैंने उसको बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके सामने सारी बात हुई थी, आप उस वक्त स्ट्रीम पे बैठी हुई थी, एक गलत बात थी, मैंने उस पर स्टैंड लिया। ये बात भी गलत है, मैं इस पर स्टैंड लूंगा, लेकिन इसको इस तरीके से हल नहीं करते कि हम उसको धमकियां दें, वो हमें धमकियां दें, या आप उसको धमकियां दें। एक काम करते हैं, अगर मंजूर आता है तो मैं मंजूर को आपकी स्ट्रीम पे लेकर आ जाता हूँ मैम, और फिर बात को मजीद क्लियर कर लेते हैं। और अगर आप, अगर आपकी इजाजत हो, स्ट्रीम ही आप देख लेना, जहां लोन समुराया है, जिसने खुद गालियां दी हैं मंजूर के महमूद के चैनल पे बैठ के रसूल को, आपके प्रॉफिट को, और उसको वहां पे मंजूर ने फौरन माफ कर दिया, फौरन उसके साथ वो हो गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, नहीं मैडम मैं नहीं था, वो भी आया है, वो गंदी चर्बी का ड्रम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मंजूर को बड़ा फील हो गया है कि उनके रसूल के हाथ में आई नहीं, ना मैंने उसको भाव दिया, या तो इस वजह से वो बैठा है, क्योंकि वो यहाँ पे भी आके बोल रहा था कि आप पद्मावती हैं और लीला चल रही थी। लाइक आर यू रियली स्टूपिड कि वो लीला और पद्मावती, आप इतने स्टूपिड से, फिर मैं बोलती हूँ कि चूतिया हो कि आप उन चीजों पे बिलीव कर रहे हो। एंड इफ यू आर बिलीविंग दैट स्टफ, दैट मींस दैट यू आर कमिटिंग ब्लास्फेमी, क्योंकि फिर आप उसकी सारी चीजों पे बिलीव कर रहे हो, राइट ना? तो अगर वो मेरे ही बारे में बात कर रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं ही एक एक्स मुसलमान हूँ जो बैठी है यहाँ पर। मुसलमानों के खिलाफ आप जाके देखो, इंटरनेट जाइए, गूगल खोले, वहां पे प्रॉफिट मोहम्मद कार्टून लिखिए, जरा देखो वहां पे क्या क्या नहीं हो रहा है, जाके उनको भी उनकी तरफ पकड़ो ना, मुझे क्यों, मेरे क्यों पीछे पड़े हो। सो एनीवेज, बिल्कुल मैडम आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इस तरह करते हैं, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया अभी कि मुझे मौका दें कि मंजूर को लेकर आ जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो। अगर आप मना करेंगे कोई मसला नहीं, मैं खुद से उससे बात कर लूंगा, नूर भी समझा देगा उसको, मैं भी समझा दूंगा। हो सकता है कि उसको उर्दू उसकी सही नहीं है, हो सकता है कोई वो बात जो करना चाह रहा हो, अपना मुद्दा बयान करना चाह रहा हो, उस तरीके से वो पेश ना कर सको आपके सामने, तो थोड़ा टाइम दे दें, क्योंकि मंजूर से मेरे 15-20 दिन हो गए बात नहीं है मैडम, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा हो गए टाइम ना, वो मुझे नहीं पता है जी। इस स्ट्रीम के बाद वो मुझे ज्यादा दिखा नहीं है, एक दो दफा ही दिखा था। खैर एनीवे चलें, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड जी, आप आए। मैडम आपकी इजाजत है, अगर मुझे थोड़ा एक बोले ना कि वो अगर मंजूर अगर आते तो आपकी स्ट्रीम पे लेकर आ जाऊं। हाँ ले आइएगा। हाँ, ठीक है मैडम, एक मिनट मैडम, एक जरा पैगाम देना उसको ना, एक मुझे थोड़ा आप इजाजत दें। वो जो गंदी चर्बी का ड्रम नहीं है, तुझे मैंने गालियां देना बंद कर दी थी, तुझे मैंने गालियां देना बंद कर दी थी, 3-4 दफा मैंने बोला कि मैं तुझे गालियां दूंगा, तू वो बेपेंदे क्या कहते हैं जिसका पेंदर पेंदर नहीं होता, लोटा, वो लोटा है। आधे घंटे में तू कहते हैं मैं गाली नहीं दूंगा, फिर तू गाली देता है। खैया मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, किसी कुत्ती माँ के बच्चे, अगर तेरे में हिम्मत है ना तो स्ट्रीम पर आ मौदूद साहब की, किसी गंदी कुत्ती माँ के बच्चे आ उधर। चलो मैडम बहुत शुक्रिया आपका, फेक आईडी आई थी उसकी, आई डोंट नो इफ दैट टेमुजिन जो है वो टेमुजिन मैडम यही है, ये कुत्ती का बच्चा है, ये टट्टा जो है ना कत्थई रंग का टट्टा, अभी उसकी जांटे निकल आई है सर पे ब्राउन कलर की। अच्छा कल अपने आप को हैंडसम बोलता है, किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है इसकी ब्रॉडकास्ट का, और नीचे खुद ही अपनी फेक आईडी से अपने उस पे मैसेजेस कर रहा है। मैडम खुद ही अपने ऊपर कुर्बान होता है, वो खुद ही अपने ऊपर कुर्बान होता रहता है, अपने आप को हैंडसम बोलता है, अपने आप को हैंडसम बोलता है, कहता है कि लड़कियां नहीं आती हैं। उस दिन मैंने ऐसी क्लिप देखी है, मैं देख जाके तो देखूं तो कहता है कि यहाँ पे इतने हैंडसम लड़के बैठे हैं, यहाँ पे लड़कियां क्यों नहीं आती हैं। भाई वो बंदा कहता है उसके बूब्स मेरे बूब्स से अच्छे हैं। अब आप खुद हाँ, वो देखा मैंने, देखा 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 वो खुश रहा है, वो खुश रहा है, वो उसकी बीवी जो है ना फिलिपिनो है, वो फिलिपिनो को इतनी गालियां दे रहा था। तौहीन मत करो, वो अपनी बीवी की, अपनी जो उसकी बीवी जो है इसकी फिलिपिनो है, अपनी बीवी की जो उसकी जो नस्ल है फिलिपिनो, उनको गालियां दे रहा था
कि वो अमेरिकनों से ये करवाती हैं, वो सारे सेलर्स आते हैं और कहते हैं मेरी बीवी जैपनीज है। झूठा इंसान है, दल्ले का बच्चा है, किसी कत्थे रंग का टट्टा है, कत्थे रंग का टट्टा है जिसमें जांटे ब्राउन कलर की आ गई हैं अभी, कभी शिवा का हो जाता है, कभी जीसस का हो जाता है, कभी रसूल का, पता नहीं क्या इंसान है, बेपेंदे का लोटा है, थाली का बैंगन है, कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है। उसको स्ट्रीम जाके मैंने 5 मिनट देखी है, मेरी समझ में नहीं आई बात क्या करना चाह रहा है, ये बात करना क्या चाह रहा है, और उसे खुद भी नहीं पता होता कि क्या बात कर रहा है, किसी दल्ली माँ का बच्चा। ऐसे ऐसे नमूने बैठे हैं और सारे मेरे ही पास आते हैं, पता नहीं क्यों अभी वो नीचे बैठा है दल्ले का बच्चा। अभी मैंने इसको एक हफ्ते मैडम कुछ नहीं बोला है, मैंने पैगाम दिया था मैं इसको गाली नहीं दूंगा, अगर वो गाली नहीं दे रहा है इधर आएगा बैठे मधु साहब की यार्ड पे आता है बैठे बात करे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं उससे, लेकिन मुझे पता चला गालियां, फिर मुझे एजे ने बताया कि गालियां दी, मैंने जाके देखा फिर गालियां दे रहा है वो दल्ले के बच्चे। कभी तू हिंदू हो जाता है, कभी तू क्रिश्चियन हो जाता है, कभी तू मुसलमान, तू है किस नस्ल का, तेरी नस्ल की कंफर्म नहीं हो रहा, अपना डीएनए चेक करवा, किसी कुत्ती माँ के बच्चे दल्ले की औलाद, अगर तेरे में हिम्मत है तो कल आ जाए स्ट्रीम पे मधु साहब की दल्ले की नस्ल। चले मैडम बहुत शुक्रिया आपका, कल इसकी आईडी हो रही थी तो मैंने कहा था कि भाई आ जाओ, मगर आई डोंट थिंक इसकी रियल आईडी थी, या देख तो रहा होगा वो, देखता तो है वो लाजमी, उसके पास वक्त ही, उसकी बीवी वो मसाज पार्लर में काम करती है, ये दल्ले का बच्चा इधर बैठ के जो ना इसके मुंह से खाता रहता है, वो जो मनी टपकती रहती है, वो इसकी बीवी जो लेती है मनी सारी टपकती रहती है इसके मुंह से, वो खाता रहता है कुत्ते की तरह और गालियां देता रहता है। अभी वो शिवा के साथ लगा हुआ, उससे पहले जीसस के साथ था, अभी पता नहीं अगले हफ्ते पता नहीं किसके साथ होगा दल्ले का बच्चा। अरे उस दिन मैंने उसकी वो वीडियो देख रही थी, अभी 5 महीने पहले वाली वीडियो है, जहाँ पर नीरज अत्री को बैठ के वहां पर सारे हिंदुओं को ऐसी गालियां दे रहा था। I was like, oh my God, like seriously. और जो इंडियंस वाले आके बैठते हैं ना, I am really disappointed कि आप लोग ऐसे बंदे के पास बैठ रहे हो, यानी एंटरटेनमेंट भी आपने लेनी है। मैं तो ये चीज आप लोगों को भी बोलती थी भैया कि आप अगर एंटरटेनमेंट लेने भी बैठे हो रसूल के वहां पर बैठे हो, दिस इज द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट दीज पीपल वॉन्ट, तो आई डोंट नो इनका, इससे तो अब लोगों के दिमाग का पता चलता है ना। खैर चले आगे चलती हूँ मैं, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।